सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आज हम करेंगे हिंदी और हमारा विषय रहेगा संज्ञा। हमने इंग्लिश में नाउन किया था, अब हम हिंदी में संज्ञा करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। यह है व्यक्ति, वस्तु, ये पेंसिल है तो एक वस्तु हुई, ये एक स्थान, लाल किला एक स्थान है, इन सबको संज्ञा कहते हैं। कुछ इनके अलावा कुछ और भी नाम है जिन्हें संज्ञा कहते हैं, जैसे त्योहारों के नाम, दिनों के नाम, नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, जैसे कि गंगा। अब गंगा भी एक संज्ञा ही हुई, और अगर त्यौहार का नाम लिया होली तो वह भी एक संज्ञा ही हुई। बच्चों, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगी, संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल आगरा में है तो ताजमहल भी एक स्थान और आगरा भी एक स्थान। बगीचे में फूल खिलते हैं, बगीचा स्थान, फूल वस्तु। कोयल पेड़ पर बैठी है, कोयल एक पक्षी, पेड़ एक वस्तु। समीर पुस्तक पढ़ रहा है, तो समीर क्या हुआ? व्यक्ति, और पुस्तक क्या हुई? वस्तु। तो बच्चों, आपको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट संज्ञा का? आई थिंक आपको अच्छी तरह से ये विषय समझ आ गया होगा। धन्यवाद।